सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर में पुलिस की बड़ी कार्यवाही। मुखबिर की सूचना पर हथियार सहित दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि दो व्यक्ति हथियार लेकर नहर के पास जा रहे हैं। सूचना पाकर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट कि थाना अधिकारी ने क्या कहा। सर, जो आज कार्रवाई की है हथियारों की, इसमें ये लोग कहाँ कहाँ से थे, हथियार लेके आ रहे थे और कहाँ कहाँ लेके जाते, इसके बारे में बताइए। हमें पिछले कई दिनों से एक सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में लोग बाग हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। इस पे हमने एक मुखबिर सिस्टम डेवलप किया और आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि पावटा गद्दी जाने वाले रास्ते पे नहर पर कुछ लोग हथियारों की तस्करी कर रहे हैं। इस पे अपन रवाना होकर के गए और वहां पर दो लोगों को हमने हथियारों सहित पकड़ा, जिसमें दो बंदूकें, एक कट्टा और दो राउंड थे। क्या क्या नाम है सर उन लोगों का? एक का नाम तो दूल्हे राम है, जो कि सरमथरा इलाके का है और एक यहाँ सदर करौली में सेंगरपुरा गांव के पास का रहने वाला है। ठीक सर। करौली जिले में पतंजलि योगपीठ द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। जिले में बनने वाले आचार्य कूलम विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेदिक केंद्र, आयुर्वेदिक वनस्पति गार्डन का भूमि पूजन 22 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के द्वारा किया जाएगा। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के केंद्रीय संगठन प्रभारी जयदेव आर्य, प्रदेश प्रभारी अजय आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल को राजकीय महाविद्यालय के पीछे स्थित गोविंद धाम भूमि पर ग्रामीणों का बाबा रामदेव द्वारा योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता गोपाल लाल माली की रिपोर्ट कि इस बारे में कुलभूषण बैराठी ने क्या कहा। हमारे भाई विनोद जी, क्या क्या कार्यक्रम यहाँ रहेंगे, क्या है? परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक 3 दिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर आयोजित होगा। यहाँ पर कॉलेज के पीछे जो पतंजलि की भूमि अग्रवालान समाज ने जो दी है, उस भूमि पर ही यह योग शिविर का आयोजन होगा। इसके साथ 21 अप्रैल को एक महिला योग दिवस का भी कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसका समय सायंकाल के समय रहेगा। और इसी प्रकार एक किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। और परम पूज्य स्वामी जी के महाराज के पावन सानिध्य में जो ये योग शिविर रहेगा, इसमें जो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि योग के माध्यम से स्वामी जी का लक्ष्य और उद्देश्य राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पूर्ण आरोग्य पहुँचाना रहता है। और यहाँ इस भूमि पर आचार्य कुलम, गुरुकुलम, विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक औषधियों का, जिसे अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे, उनका उत्पादन होगा। गौशाला का निर्माण होगा। गौ संवर्धन के लिए यहाँ पर शोध का कार्य भी किया जाएगा। इस प्रकार अनेक रचनात्मक कार्य को लेकर परम पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित। इसी प्रकार देश विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए K2S न्यूज। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।